ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ। इस गल का खुलासा दिल्ली दे स्पेशल सेल टीम वालों किया गया। इस सारा प्लान कदों किया गया, ये हथियारों का प्लानिंग किवें हुई, ये सब कुछ इस गल विच खुलासा अज कर दिता गया। दस दईए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम वालों ये बड़ा खुलासा किया गया। लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ बिल्कुल, जिसते शक सी उसते ही यकीनन हुण गल सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई दस्या जा रहा है सिद्धू मूसेवाले दे कतलकांड दा मास्टरमाइंड। जेल विच बंद रह के कीता गया इन्ना वड्डा प्लान, इन्नी रिस्ट्रिक्शंस, इन्नी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी गड्डियां दा, हथियारां दा, बंदियां दा इंतजाम करके ये वड्डी सोची समझी साजिश नूं अंजाम दिता गया। दस दईए सिद्धू मूसेवाले की मौत के 3 घंटे बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप वालों जिम्मेवारी ले ली गई सी कि कतल असी कीता। इस गल की पुष्टि पोस्ट राही गोल्डी बराड़ ने भी की है कि असी अपने भरा विक्की मिड्डू खेड़े के कतल का बदला लिया। लेकिन हुण मास्टरमाइंड का खुलासा होने तो बाद बिश्नोई कहता है कि साडे गैंग वालों ये सारा किया गया, मेरा सीधे तौर पर इस मामले में कोई भी हाथ नहीं सी। इस नाल ये भी दस दईए कि दिल्ली पुलिस ने एक शाहरुख नाम के बंदे नूं गिरफ्तार किया सी, जिस तो ये भी खुलासा होया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जिहड़ी एक सिग्नल ऐप राही गोल्डी बराड़ तक मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन जिहड़ी सी वो पहुँचाई जाती सी। कह सकते हैं कि टारगेट लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा है वो गोल्डी बराड़ नूं दसदा सी। इस तरह ये सारी जिहड़ी प्लैनिंग है अलग अलग थावां ते बैठ के एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट्स बना के लिंक रखते हुए की गई। इतने भी दस दिए कि बंबीहा ग्रुप वालों, जी हाँ बंबीहा ग्रुप वालों भी हुण किया गया सी कि सिद्धू मूसेवाले के कतलकांड का असी जल्द तो जल्द बदला लवेंगे, जिसके चलदियां काफ़ी कलाकारों को धमकियां मिलदियां आ रही ने। हालांकि इस गल की पुष्टि नहीं की जा रही कि किनू धमकियां किस वालों मिल रही है, किहड़े गैंगस्टर्स ने या किहड़े एक ग्रुप ने, लेकिन इस चलदियां सरकार वालों सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है काफ़ी कलाकारां दी, क्योंकि सरकार का दावा है कि असी नहीं चाहते कि इस तरीके की कोई दोबारा घटना वापरे, तो इदा का कोई होर हादसा दोबारा होवे। पुलिस में भी लग रहा है कि जल्द तो जल्द होर नवे खुलासे होंगे, क्योंकि हर रोज़ नवी तो नवी अपडेट इस जुड़ रही है, नवी तो नवी कड़ी इस जुड़ रही है। जो मोटिव है वो आप के साथ हम पूरे डिटेल में शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वी विल बी शेयरिंग देम, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो बिकॉज इट इज देयर मेन केस। हमारा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हम इनको एज अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, क्योंकि नेशनल कैपिटल है, ऑलरेडी हमने इन गैंग्स पे बहुत काम किया हुआ, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता ही चुका हूँ। तो हमारा एक ही मकसद है कि जल्दी से जल्दी इनको वी शुड ब्रिंग देम टू जस्टिस। बट द कोऑर्डिनेट फेसिंग द लॉरेंस गोज बिहाइंड द बार, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट लॉरेंस बिश्नोई गैंग हैज किल्ड सिद्धू मूसेवाला, हाउ ही कोऑर्डिनेटेड, बिकॉज़ फॉर द लास्ट 10 डेज योर टीम हैज बीन क्वेश्चनिंग हिम। एनीथिंग सब्सटेंशियल यू कैन व्हिच यू कैन शेयर विद द, उसने कुछ एक्सेप्ट किया है अब तक, क्या बोला, मतलब किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया, कुछ तो बताएगा कैसे उन्होंने उसने कोऑर्डिनेट किया, ये आप एक्सेप्ट किया सर? कैसे किया वो भी विदाउट पेपर, काले जादू दे गुरु अजमेरी जी जो करनगे तुहाडी हर समस्यावां दा हल, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लॉटरी, लव मैरिज, पति पत्नी विच अनबन, विदेश विच पक्के होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ एक ही घंटे विच समाधान पाओ, मेरे तो पहला काम करन वाले नू मुंह मंगया इनाम, हर पासे नाराज ते धोखा खा चुके हो, एक बार जरूर आओ। फोन नंबर 8283038।